जितन राम मांझी वाला विरोध हुआ के चाहिए सबके उम्मीद का कम से कम विरोध करी कि ओकरो पता चले जत से विरोध के स्वर उत्पन्न भ रहा है। और हिसाब सीधा बात बुझियो मांझी देश में जखन भी खराब हो सॉफ्ट टारगेट ब्राह्मण है कोनो भी दल रहे छे ओकर टारगेट रहे छे ब्राह्मण के बारे में उलट बजी लोग सस्ती लोकप्रियता होइ छे ओकरा हासिल होइ छे। संगे संगे एक टा और बात अहाँ सब बुझियो जे ब्राह्मण फेडरेशन ई आह्वान करो होइ के चाही जे कोनो ब्राह्मण पंडित जे छे से एकरा सब ओत पूजा करबे ले नहीं जाय भाई काट करे बिल्कुल पूजो करबैसागर सब पार लगे के प्रयासो करे गायरो सुनैया दुनू बात तो नहीं है ते दुआरे कोनो पूजा नहीं करे भोजन नहीं चलते से बात नहीं है एक त्याग करो एक पूजे करब नहीं है। मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग हुआ है जो कि काफ़ी निंदनीय चीज है, खास करके ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है जो कि राजनीति से प्रेरित भी लग रहा है। इसका तत्काल जो सरकार में ये हैं जिसके पक्ष में ये हैं जिसके पक्ष से इनके बेटे मंत्री हैं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इन्हें मंत्री पद से हटाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो जो फेडरेशन है हमारा ब्राह्मण फेडरेशन वो इसका पुरजोर विरोध करेगी और तब तक विरोध करते रहेगी जब तक सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले और पब्लिक तौर पे आके जीतन राम मांझी सबसे माफी नहीं मांगे। इसी विरोध करने के क्रम में आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय शंकर चौधरी जी के यहाँ उनके अध्यक्षता में और आगे की रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं। और हमारा मुद्दा यही है कि ब्राह्मण संगठन सारे संगठन और हमारा ब्राह्मण फेडरेशन भी तब तक इस बात का विरोध करते रहे जब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकले और पब्लिक तौर पे आकर के जीतन राम मांझी माफी नहीं मांगे।